हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई लर्निंग एजुकेशन। आज की इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू मेक ग्रीन स्क्रीन इंट्रो यूजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जी हाँ, बिना किसी महंगे सॉफ्टवेयर का यूज़ किए से पावर पॉइंट की मदद से हम ग्रीन स्क्रीन इंट्रो इफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पावर पॉइंट चालू करना पड़ेगा। मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 यूज़ करता हूँ, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में ही वर्क करूँगा। तो इस स्क्रीन की हमें ज़रूरत नहीं है, ये हमें डिलीट कर। पहले हम डिज़ाइन में जाके बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, क्योंकि हमें ग्रीन स्क्रीन इम्पेक्ट देना है, इसलिए हमें बैकग्राउंड इसका ग्रीन लेना। ग्रीन लेने के लिए आप मोर कलर में जाइए, या से डार्क ग्रीन जो भी आपको लगे वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ से डार्क ग्रीन कलर लिया और ये अप्लाई टू ऑल कर दीजिए, यानी जो भी नई स्लाइड लेंगे आप तो उसमें भी ग्रीन कलर बैकग्राउंड में आएंगे। उसके बाद आप इंसर्ट में जाके एक शेप ले लेंगे, शेप रेक्टेंगुलर वाला एक शेप लेंगे, राउंडेड रेक्टेंगुलर एक शेप बना देंगे। जितना आपको साइज लेना है उतना आप ले सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेट में जाइए। फॉर्मेट में जाने के बाद जो आपने शेप लिया है उसका बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड वाइट कलर से फिल कर दीजिए। उसके बाद इंसर्ट में फिर से पिक्चर में जाके, मैंने डेस्कटॉप में मैंने एक फोल्डर सेव किया है जिसमें मुझे ये वीडियो बनाने में जो जो पिक्स की ज़रूरत है वो मैंने एक फोल्डर में रखा है, तो उसका यूज़ करके मैं बनाऊँगा। तो सबसे पहले मैं लूँगा एक सब्सक्राइब यूट्यूब सब्सक्राइब का एक लोगो, इसको अपने हिसाब से छोटा कर लीजिए। यदि आपको आपके प्रोफाइल का फोटो भी आपको ऐसे लगाना है तो आप इसमें लगा सकते हैं। मान लो भाई अपने प्रोफाइल का फोटो यहाँ लगा, तो भी आपको सेट करना होगा छोटा करके। यदि आपको आपके चैनल का नाम भी लिखना है तो आप इंसर्ट में वर्ड आर्ट में जाने के बाद ऐसे कोई भी वर्ड आर्ट ले सकते हो, लिख करके अपने चैनल का नाम। जितनी ज़रूरत हो उतनी साइज कर लीजिए। डार्क नहीं दिख रहा है तो इसके लिए आप इस टेक्स्ट को डार्क कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाइए और इसको डार्क, जो आपने शेप्स लिए अब ये एक साथ अब ऊपर आनी चाहिए, तो इसके लिए आप कंट्रोल ए करके सबको एक साथ सिलेक्ट करते और एनिमेशन में जाके इसको एनिमेशन में जाके फ्लोटिंग का ऑप्शन देते हैं। तो फ्लोटिंग से क्या होगा, ये पॉप ओपन होगा। इसके बाद एनिमेशन पेन ओपन कर लीजिए, आप यहाँ पे प्ले करके भी देख सकते हैं। इसके बाद जैसे सब्सक्राइब पे क्लिक करते हो तो आपका सब्सक्राइब हाइड हो जाना चाहिए, उसकी जगह आपका सब्सक्राइब लिख के आना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक पिक्चर में जाओगे और एक हैंड टूल ले लोगे। हैंड टूल के आजू बाजू में वाइट कलर दिखाई दे रहा है तो ये आपको रिमूव करना होगा। तो फॉर्मेट में जाके रिमूव बैकग्राउंड करके ऑप्शन है, वहाँ से आप इसे रिमूव कर सकते हैं। पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, तो साइज अपने को चाहिए आप इतना रखिए और ये इसका थोड़ा रोटेट कर लीजिए, थोड़ा रियल इफेक्ट आ जाए। तो ये हैंड के मूवमेंट के लिए आप एनिमेशन दीजिए, इसको भी फ्लाइंग का ऑप्शन दे देंगे। तो जैसा हैंड फ्लाइंग होके टच करता है उसके बाद वो हाइड हो जाना चाहिए, इसके लिए आप एनिमेशन प्लेन में जाके वो पिक्चर को इफेक्ट ऑप्शन में जाके जहाँ पे आफ्टर एनिमेशन दिखाई दे रहा है वहाँ हाइड आफ्टर एनिमेशन ये ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो इसके ये क्या होगा, जैसे क्लिक करोगे जैसे प्ले करके देखोगे तो ये जैसा वहाँ पे एनिमेशन हो जाएगा वो हाइड हो जाएगा। बाद हमें ये भी जैसा यहाँ पे क्लिक करता है तो सब्सक्राइब भी हाइड हो जाना चाहिए, उसकी जगह लिख के आना चाहिए सब्सक्राइब और ये बेल आइकन। सब्सक्राइब को हाइड करने के लिए फिर से सब्सक्राइब को सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे ऐड एनिमेशन का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऐड एनिमेशन के ऑप्शन में इसको डिसअपेयर का ऑप्शन दे दीजिए। तो डिसअपेयर के ऑप्शन देने के बाद तुरंत उसको आपको एक ड्रॉप डाउन एरो दिखेगा, उसके इफेक्ट ऑप्शन में जाइए। यहाँ पे आप को साउंड लगाना होगा तो ये साउंड भी लगा सकते हैं। तो साउंड लगाने के लिए आप इसके बाद हाइड होने के बाद जैसे हाइड होता है अपने को अपने सामने सब्सक्राइब्ड और एक बेल आइकॉन आना चाहिए। तो इसके लिए हम फिर से एक वर्ड आर्ट ले लेते हैं, वहाँ लिख लेते हैं सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब लिखने के बाद हम इसे इसके नीचे ला लेते हैं, तो जितनी साइज छोटी करना है वो छोटी कर। इसके बाद हमें एक बेल आइकन की भी जरूरत गिरेगी, बेल आइकन ले लेंगे। बेल आइकन भी बैकग्राउंड आप
फॉर्मेट में जाके रिमूव बैकग्राउंड में जाकर आप इसको पूरा सिलेक्ट करने के कर सकते, एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद आपको देखेगा बेल आइकॉन और ये सब्सक्राइब, ये दोनों को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट कर दीजिए और इनको एनिमेशन दे दीजिए अपीयर्स। अपीयर होने के बाद बेल आइकॉन पे भी क्लिक करना है हमें, तो बेल आइकॉन पर क्लिक करने के लिए हम ये हैंड टूल का कंट्रोल डबल कॉपी डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर लेते हैं। अब डुप्लीकेट कॉपी से ये डुप्लीकेट हैंड टूल ये बेल आइकॉन पर क्लिक करने के बाद हमको रिंगिंग बेल आइकॉन दिखना चाहिए और ये बेल आइकॉन एनिमेशन जाके उसको डिसअपेयर कर देते हैं। डिसअपेयर करने के बाद में एक बेल आइकॉन चाहिए रिंगिंग वाले, रिंगिंग बेल आइकॉन आप इस तरह से ले सकते हैं। सेट में जाके रिंगिंग बेल आइकॉन ले लेंगे, रिंगिंग बेल आइकॉन को भी एडजस्ट करेंगे। रिमूव करना होगा बैकग्राउंड तो कर सकते हैं, ना भी किए तो कोई फर्क नहीं रहने वाला। यदि आप प्ले करके देखोगे तो आपको इस साइड से इसको भी हम एनिमेशन दे देते हैं अपीयर्स का, तो इसके भी साउंड आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपने डिसअपियर किया है उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसको साउंड में जाके क्लिक वाला ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, क्लिक साउंड लगा दीजिए। इस प्रकार से हम YouTube सब्सक्राइब इंट्रो बना सकते हैं। इसके बाद हम फेसबुक इंट्रो भी बना सकते हैं, ब्लैंक वाली लिखते हैं। अब इसमें हमको फेसबुक का सब्सक्राइब फेसबुक का इंट्रो बनाना है, इसके लिए हमको इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाने के बाद एक फेसबुक का लोगो लेना पड़ेगा। लोगो लेने के बाद आप इसको छोटा कर दीजिए जितना आपको साइज करना हो। करने के बाद इसको उसके बाद इंसर्ट में जाइए और एक शेप ले लीजिए। इस प्रकार का आप शेप ले सकते हो, राउंडेड डायगोनल वाला प्रकार से एडजस्ट कर लीजिए। फॉर्मेट में जाके आप इसको सेंड टू बैक कर दीजिए और ये शेप फिल को वाइट बैकग्राउंड से फिल कर दीजिए। ये दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए और इसको एनिमेशन दे दीजिएगा फ्लाइंग का। फ्लाइंग का एनिमेशन देने के बाद इसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर है तो हमको लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम इसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इसको साउंड भी लगाना होगा तो हम इस पर भी साउंड लगा सकते हैं, और कोई भी एक साउंड आप लगा दीजिए। इसके बाद जिस तरह से इन हुआ है उस तरह से ये बाहर भी आ जाना चाहिए, इसलिए अब ये सिलेक्ट करते हुए ही एड एनिमेशन जाएंगे और ये फ्लाई आउट का ऑप्शन दे देंगे, टू लेफ्ट ये ऑप्शन लेके उसको जहाँ से आए वहाँ से इन कर दें। और यहाँ पे भी एक साउंड आपको लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप इंस्टाग्राम का भी इंट्रो बना सकते हैं। न्यूज़लेट ले लेंगे, में इंसर्ट करेंगे हम वहीं से फिर से वही वाला शेप ले लेते हैं और यहाँ से उसको जितना आपका लोगो है उसका सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्मेट, इसके बाद फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाने के बाद इसको सेंड टू बैकग्राउंड कर दीजिए, हाँ सेंड टू बैकवर्ड कर दीजिए। सेंड टू बैकवर्ड करने के बाद ये जो शेप लिया उसको फिल कर देंगे व्हाइट कलर से, तो इस प्रकार से दिखेंगे। और थोड़ा इफेक्टिव बनाने के लिए आप अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं, तो इसको भी कंट्रोल ए करके एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल ए सेलेक्ट करने के बाद आप इसको एनिमेशन में जाइए और एनिमेशन में फ्लाइंग का ऑप्शन दीजिए, लेकिन हमको ये लेफ्ट टू राइट आना चाहिए इसलिए इफेक्ट ऑप्शन में जाके इसको फ्रॉम लेफ्ट ऑप्शन दे देते हैं। तो साउंड भी लगाना है तो आप फिर से इसको साउंड लगा सकते हैं, एड एनिमेशन में जाके इसको फ्लाई आउट का ऑप्शन दे देते हैं और इसका इफेक्ट ऑप्शन में जाके डायरेक्शन चेंज करते हैं टू लेफ्ट, और इसको भी हम साउंड लगा देते हैं इफेक्ट ऑप्शन में जाके। इस तरह से हमारा ग्रीन स्क्रीन इंट्रो, इसको हम अब सेव कर देते हैं, फाइल में जाएंगे उसको सेव का ऑप्शन दे देते हैं। सेव का ऑप्शन में देने के बाद आप इसको जहाँ आपको सेव करना है वो लोकेशन में डेस्टिनेशन दे दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे डेस्टिनेशन दे देता हूँ, यहाँ पे फाइल का नेम दे देता हूँ ग्रीन स्क्रीन इंट्रो। सेव एज टाइप में आप इसको विंडोज मीडिया वीडियो में सेव कर दीजिए। इस प्रकार से आपका वीडियो तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपको दिखाई दे रहा होगा क्रिएटिंग वीडियो ग्रीन स्क्रीन इंट्रो, तो ये थोड़ा वक्त लगेगा सेव होने में। इस प्रकार से हमारा बनाया हुआ ग्रीन स्क्रीन इंट्रो प्रेजेंटेशन सेव हो चुका है। हम इसको मिनिमाइज करके ग्रीन स्क्रीन इंट्रो ओपन करके देखते हैं।
If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.